हाय गाइस, सो रिसेंटली मैं काफ़ी यूट्यूब चैनल्स देख रहा था और काफ़ी सारे पोल्स देख रहा था यूट्यूब एंड ट्विटर पे, जहां पे मुझे दिखा कि भाई काफ़ी सारे लोग आईकू 9 सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इनफैक्ट मैं भी आईकू 9 सीरीज के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि ये सीरीज क्या क्या चेंजेस लाती है। बट ऑब्वियसली एक फ़ोन के रिलीज होने से पहले काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाती है, तो आज ये सारी इन्फॉर्मेशन इस एक वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। हाय गाइस, दिस इज रोम गुरजी एंड वेलकम टू ऑल यू नीड टू नो अबाउट द आईकू 9 सीरीज बिफोर इट्स रिलीज। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है आईकू 9 सीरीज के रिलीज होने से पहले। सबसे पहले हम पांच अच्छी चीज़ों की बात करेंगे और पांच बुरी चीज़ों की बात करेंगे। सो बिल्कुल वीडियो ध्यान से देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेस की। तो काफ़ी लोगों को पता होगा आईकू 9 सीरीज में इस बार आने वाला है E5 AMOLED डिस्प्ले और इस डिस्प्ले को 2K होने के भी चांसेस हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कि क्या ये 100% 2K आएगा या फुल HD प्लस आएगा, बट इन बोथ केसेस E5 AMOLED डिस्प्ले काफ़ी क्रेजी होने वाला है। यहाँ पे आपको LTPO मिल जाएगा, उसी के साथ जो स्क्रीन क्लैरिटी है, HDR है, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया मिल जाएंगी। बट इसकी एक चीज़ ये है कि जो नेगेटिव पार्ट है इस पॉइंट का, वो ये है कि ये सिर्फ 9 Pro वेरिएंट में आएगा, ना कि 9 और 9 SE में। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये होती है कि अपग्रेडेड डिस्प्ले मिल रहा है, एक बुरी बात ये होती है कि आपको सिर्फ जो सबसे टॉप वेरिएंट है, प्रो वेरिएंट है, वहाँ पे ये E5 AMOLED देखने को मिलने वाला है। इसके बाद सेकेंड अच्छी चीज़ है वो है 120 वॉट की चार्जिंग। बिल्कुल, यहाँ पे आपको इन डिवाइसेस में 120 वॉट की चार्जिंग मिलने वाली है। अभी ये क्लैरिटी नहीं है कि क्या ये 120 वॉट की चार्जिंग आपको हर वेरिएंट में मिलेगी आईकू 9 के या सिर्फ 9 प्रो में मिलेगी, बट जितना मेरा अनुमान है कि ये आपको सिर्फ 9 प्रो और 9 में मिलने वाली है। 9 SE में आपको 67 वॉट की चार्जिंग मिलेगी, राइट? तो ये देखने के बाद आपको जरूर लग रहा होगा कि भाई 67 वॉट कम है, बट एक्चुअल में 67 वॉट और 120 वॉट में जितना ह्यूज डिफरेंट आप सोच रहे हो उतना नहीं है। इसी के साथ एक और चीज़ जो 120 वॉट के किसी भी फ़ोन के चार्जिंग में आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। बिल्कुल, हर चीज़ टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, तो यहाँ पे कभी कभी 120 वॉट की चार्जिंग होते हुए भी आपका फ़ोन 120 वॉट पे चार्ज ना हो, ऐसा हो सकता है बिकॉज ऑफ हीटिंग, तो ये हमेशा मान के चलना है। ये हो गई दूसरी अच्छी चीज़। वो दूसरी बुरी चीज़ क्या है? दूसरी बुरी चीज़ ये है कि कैमरा के मामले में वापस 9 और 9 SE को अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे जो कैमरा है वो सिर्फ 9 Pro में अपग्रेडेड है और ना कि 9 और 9 SE में, विच ब्रिंग्स अस टू द थर्ड थिंग विच इज गुड, जो है कैमरा अपग्रेड। तो यहाँ पे आपको आईकू 9 Pro में मिल जाते हैं 50+50+16 मेगापिक्सल की कैमरा अरेंजमेंट, और ये जो 50 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं दे आर अमेजिंग। ये टॉप ऑफ द क्लास, टॉप ऑफ द लाइन सेंसर्स हैं और इनसे लिए हुए वीडियो और इनसे लिए हुए फोटोज काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। इसी के साथ आपको तो पता ही होगा इसमें गिम्बल स्टेबलाइजेशन भी आने वाला है, विच इज अ गेम चेंजर। तो यहाँ पे ये हो गई तीसरी अच्छी चीज आईकू 9 सीरीज के मामले में। बट तीसरी जो बुरी चीज होती है आईकू 9 सीरीज के मामले में, वो ये है कि चाइना में जो रिलीज हुआ हुआ आईकू 9 सीरीज है, वहां पे आपको मिल जाता है जो उनका नया OS है, बट इन इंडिया आपको फन टच OS ही मिलने वाला है, कोई भी दूसरा OS नहीं मिलने वाला। तो जो सारी अपॉर्चुनिटीज थी एक कूल नया OS ट्राई करने की, वो यहाँ पे मिस हो गई है। इसके बाद चलते हैं जो फोर्थ अच्छी चीज है। तो फोर्थ अच्छी चीज ये है कि इन सारे सीरीज के हर फोन में आपको स्नैपड्रैगन के टॉप वेरिएंट वाले प्रोसेसर्स मिलने वाले हैं। आईकू 9 SE में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 888, आईकू 9 में मिलता है आपको स्नैपड्रैगन 888 प्लस, और आईकू 9 प्रो में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1। और इसी के साथ इनको जो अलग सेट अपार्ट करता है वो है इनकी कूलिंग। नॉर्मली कंपनीज को कूलिंग करने में काफ़ी इश्यूज हो रही हैं इन चिप्स के साथ,
बट आईक्यू 9 सीरीज में थैंकफुली कूलिंग में बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं आने वाली है, बिकॉज आईक्यू ने प्रूव कर रखा है अपने आईक्यू 7 सीरीज के साथ कि भाई ये इन चिप्स को कूल कर सकते हैं और वो कूल होंगी। तो यहाँ पे आपको थर्मल्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हम चौथी बुरी चीज के पास भी पहुंच जाते हैं, जो है इनके अपडेट। अभी भी आईक्यू के अपडेट्स बेटर नहीं हुए हैं, अभी भी आईक्यू के अपडेट्स में प्रॉब्लम्स आते हैं जितनी बाकी कंपनियों में नहीं आते। इसी के साथ फंटच ओएस एक ऐसा ओएस है जिसमें नए फीचर्स आने में बहुत टाइम लगता है, सो दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट। फिफ्थ एंड फाइनल चीज, काफी लोगों को इसके जो स्पेशल डिस्प्ले चिप है उसके बारे में बात करनी होगी, बट मैं बोलूं तो वो आपको आईक्यू 7 सीरीज में भी मिली थी, इसमें कोई स्पेशल चीज नहीं है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ साउंड की। तो जो आईक्यू 9 प्रो है, यहाँ पे आपको एक अपडेटेड साउंड सिस्टम मिलने वाला है जो काफी बढ़िया होने वाला है और मैक्स आउटपुट 120 डीबी तक जा सकता है। तो यहाँ पे जो मैक्स आउटपुट जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बेटर होने वाली है साउंड की आईक्यू 9 प्रो में। बट इसी के साथ हमें बुरी चीज की भी बात करनी है, जो पांचवी और फाइनल बुरी चीज है कि आईक्यू अभी भी बूटलोडर अनलॉकिंग नहीं अलाउ करता है। और अगर आप सोच रहे होगी कि भाई बूटलोडर अनलॉकिंग का 2022 में क्या ही यूज है, क्या ही फायदा है और इससे क्या हो सकता है, तो जल्दी ही मैं उस पर एक वीडियो भी लाने वाला हूँ। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आप वो देख पाओ और आप समझ पाओ। बाय द वे, अगर आप ऐसे फोन्स खरीदना चाहते हो, आप थोड़ी सी सेविंग्स कर चुके हो बट आपको अपने पैसे ग्रो करने हैं, तो मैं बोलूंगा एक बार नीचे लिंक में दिया गया ग्रो ऐप जरूर चेकआउट कीजिए, वहां से आप काफी फायदा उठा सकते हैं। मैंने भी उठाया और उन्होंने इनफैक्ट मुझे फ्री शर्ट गिफ्ट भी की है, टी शर्ट। सो काफी इंटरेस्टिंग ऐप है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आया हो या कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आपसे मिलता हूं अगले वाले में। दिस इज रोम गुरजी साइनिंग ऑफ।